dad, you are the greatest dad. You help me day and night. Dad, you say funny things always to me. You do everything. Daddy, अब मैं बोलूँ ये वाला? हाँ. देखो नहीं. नहीं, daddy को पढ़ने दे. जब daddy के लिए दियो तो daddy को पढ़ने. You shout at me, but I know that you shout at me, cause I sometimes do mistake. Happy birthday, my dad. Thank you. Oh, bhai, क्या चिपकाया है? Oreo, for dad. आज जो make नहीं हुआ है. तो ये जितना भी लिखा है ना ये अज़ला ने अपने मन से लिखा है. ओहो. Daddy के लिए crown. ओह भाई, एक number crown. और ये? और? मम्मा के लिए पेन. अच्छा मम्मा भी crown के लिए. Very nice. This is my favorite. और ये फारूक कल पहनेंगे बर्थडे में. लाइट चाहिए है हमारी तरफ से फारूक को गिफ्ट. तो कल फारूक बर्थडे में पहनेंगे दिन भर ये कपड़े. राइट, ये कपड़े पहने. कैसे लगा फारूक? बकवास था ना आज का. और डैडी एक बर्थडे क्वेश्चन है. बर्थडे के क्वेश्चन. और अब जब टेस्ट किया और बोलो आप उसके अंदर क्या इंग्रेडिएंट्स है. उसके अंदर है पाइनएप्पल एंड क्रीम ग्रेप्स और चेरी. चेरी नहीं, चेरी भी थी ऊपर से. चेरी. हाँ, और क्रीम. ऑरेंज जूस. रॉन्ग. तो आज हमारा हर इसमें मिस्टेक होते गई. सरप्राइज हमारा बहुत फ्लॉप हो गया. मैं सुबह से मेहनत कर रही थी. केक मेरा पहले तो जल गया, बट उसको मैंने कैसे भी मैनेज करके बनाई हूँ. फिर उसके बाद जो डेकोरेशन है वो चिपकाए जा रही थी, निकलते जा रहा था. तो ये टाइम का सरप्राइज बिल्कुल भी अच्छा नहीं. कुछ तो बोलो. Thank you very much for the surprise. सब अच्छा था. केक का आइटम जो फ्रॉस्टिंग थी इतनी अच्छी बनी थी, बट केक आज. सो हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम. वेलकम टू. हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम. बोलो. तो आज हम लोग डैडी के बर्थडे के लिए हम लोग जा रहे हैं. बर्थडे, हैप्पी बर्थडे मिस्टर अंसारी. तो कल रात का सेलिब्रेशन जैसे कि आप लोगों ने देखा होगा, तो हम लोग घर पे ही थे कल रात को. तो आज हम लोग निकले हैं बाहर डिनर के लिए. तो आज हम लोग जाने वाले हैं रेस्टोरेंट. कौन से रेस्टोरेंट जाने वाले हैं हम लोग? जब पहुंचेंगे बताएंगे. तुर्किश रेस्टोरेंट है. आज हम लोग तुर्किश रेस्टोरेंट जाने वाले. बहुत ही यहाँ का फेमस है जद्दा का. तो आपको वहाँ मिलते हैं, आपको वहाँ ले जाती हूँ मैं. तो हम लोग पहुँच गए हैं रेस्टोरेंट. ये है ख्याल रेस्टोरेंट. तो बस हम लोग पहुँच गए थे. और जैसे कि फ्राइडे के दिन फारूक का बर्थडे था, तो बहुत रश थी ख्याल रेस्टोरेंट में. तो वेटिंग के बाद बस हम लोग अब अंदर जा रहे हैं. तो ये अंदर का इंटीरियर है ख्याल रेस्टोरेंट का. और ये था हमारा टेबल नंबर 216. और एज यूजुअल हमेशा की तरह अज़लान की नौटंकी चालू थी. और ये था ऑलिव और डिफरेंट टाइप्स के सॉसेस थे. और जैसे कि टर्किश रेस्टोरेंट था, तो यहाँ पर पहले जब आप जाओगे तो आपको ये सर्व किया जाता है. तो ये टमाटर की चटनी थी और ये पिकल था और ऑलिव और खबूस. ये रोटी को यहाँ पर खबूस बोलते हैं.
अज़लान को पिकल बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा, बहुत सार था। और ये हुमस तो पहले जाते ही ये सर्व किया जाता है यहाँ पर, और बहुत ही टेस्टी लगता है गरम गरम रोटी के साथ, खबूज के साथ हुमस। तो बस हम लोग इंजॉय कर रहे थे हमारा खाना, और ये हुमस बहुत ही टेस्टी था। फारूक का फेवरेट है यहाँ का हुमस। और ये हम लोग का ऑर्डर आ गया था, तो ये हम लोग ने पहले मंगाया था, शवरमा मंगाया था हम लोग ने, और ये प्लेटर था, मिक्स प्लेटर था। तो ये यहाँ की जो स्पेशलिटी है वो सब इसमें मिक्स सारी चीज़ें थी। तो ये था हम लोग का खाना, और बहुत ज़्यादा हो गया था तो हम लोग ने बाकी का जो बचा हुआ था वो पार्सल ले लिया था। तो बहुत ही यम्मी था सारी चीज़ें, और ये यहाँ की स्पेशलिटी है, यहाँ का बहुत फेमस है पाइनएप्पल जूस। तो ये पाइनएप्पल के अंदर ही बनाते हैं ये लोग जूस, बहुत ही टेस्टी होता है। तो यहाँ का पाइनएप्पल एंड पोमोग्रेनेट का, अनार का जूस बहुत फेमस है। और खाना खाने के बाद यहाँ पर ये लोग देते हैं लाल चाय है, रेड टी, और बहुत यूनिक तरीके से लेकर आते। वो मिस कर दी मैंने, वो वीडियोस का नहीं निकाल पाई। तो बस हमारा खाना हो गया था, अब हम लोग जा रहे थे। तो बस इसी तरीके से हम लोगों ने फारूक का बर्थडे सेलिब्रेट किए। लास्ट ईयर तो आप लोगों ने देखा होगा मेरा व्लॉग, मैंने फारूक को सरप्राइज़ बर्थडे पार्टी प्लान की थी, फारूक के फ्रेंड्स को भी मैंने बुलाई थी, बट इस टाइम वो है नहीं यहाँ पर। और हम लोग की भी अभी अभी शिफ्टिंग हुई थी, और हमें भी फारूक को हमें यहाँ पर लेकर आना था ख्याल रेस्टोरेंट में काफ़ी टाइम से। तो बस ये इस तरीके से हम लोगों ने फारूक का बर्थडे सेलिब्रेट किए। तो होप आप लोगों को मेरा वीडियो ये अच्छा लगा होगा। तो अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करना। और अगर आप सऊदी अरेबिया जद्दा में रहते हो और आपको टर्किश खाना ट्राई करना है तो ख्याल रेस्टोरेंट में आप ज़रूर आए और यहाँ का खाना ट्राई करें, बहुत ही टेस्टी था। तो मिलती हूँ मैं आपको अपने नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो एंड करने से पहले मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी थोड़ी सी बर्थडे पिक्स, जो हम लोग ने बर्थडे वाले दिन फ़ोटो निकाले थे वो मैं आप लोगों के साथ थोड़ा सा शेयर करूँगी। तो ये थी जो पिक्स हम लोगों ने बर्थडे वाले दिन निकाली थी। तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना कि आप लोगों को मेरी ये वाली पिक्स कैसी लगी, हमारी ये पिक्स कैसी लगी और हमारा बर्थडे सेलिब्रेशन कैसा लगा, तो कमेंट ज़रूर करना। तो मिलती हूँ मैं आपके नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।